इस मसले का हल अगर किसी के जहन में हो। जनाब चेयरमैन, प्रिंसिपल साहिबा और मेरी लेक्चरर्स बहनों, मैं इस कॉलेज में 5 साल से नफ्सियात का सब्जेक्ट पढ़ा रही हूँ और मेरा रिजल्ट हमेशा 100% रहा है। छुट्टी के दिन खानादारी, सीने परोने और लड़कियों को खाना पकाने की तरबियत देती हूँ, जिसका मैं कोई मुआवजा नहीं लेती। लेकिन मिसेज रहमान, ये सब वालदैन के सिखाने के काम है, उस्तादों का फर्ज नहीं। फिर उस्ताद ये तवक्कु क्यों रखते हैं कि उन्हें माँ बाप से ज्यादा मर्तबा और एहतराम दिया जाए? हम माँ बाप से बड़े तो कहलाते हैं, मगर बड़ेपन का सबूत नहीं देते। ये मेरा फर्ज है कि मैं अपने हर स्टूडेंट को तालीम के साथ साथ खानादारी भी सिखाऊं, ताकि माशरे में उसका बाइज्जत मकाम हो। मेरी एक स्टूडेंट ने मुझे चैलेंज किया है कि सास कभी भी बहू की सहेली नहीं बन सकती है, मगर मेरा दावा है कि हर अच्छी बेटी अच्छी बहू और फिर अच्छी सास बनती है, बल्कि सास बहू की सहेली भी बन सकती है, क्योंकि मेरी सास मेरी सहेली थी। वाकई मैं बहुत खुश हूँ, आप बूझे तो मैं आपको मान बूझे तो जाओ, बताना बात क्या है? अम्मी, मुझे हायर स्टडीज के लिए स्कॉलरशिप मिल गया। एक मिनट, ये देख, ये देख, खुद पढ़े आप। अल्लाह तेरा लाख शुक्र है। अम्मी, मुझे नेक्स्ट वीक अप्लाई करना होगा। अरे अरे, ये क्या इतने मोटे मोटे आंसू? अभी तो मैं यहाँ हूँ, जब 2 साल के लिए आपकी आंखों से दूर होऊंगा तब क्या होगा? हाँ, इधर देखें। कुछ नहीं होगा बेटा, कुछ नहीं। मैं तुम्हारी तरक्की के लिए ये जुदाई भी बर्दाश्त कर लूंगी। मैं चाहती हूँ कि तुम बहुत बड़े डेंटिस्ट बनो। आप फिक्र न करें अम्मी, मैं आपका हर ख्वाब पूरा करूंगा। इमरान, मुझे मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम डिग्री के सिवा लंदन से और कुछ साथ नहीं लाओगे। साथ तो वही आएगी अम्मी जो साथ जा रही। क्या मतलब? दिल लगाकर पढ़ने की लगन। शैतान, तू मुझसे कुछ छुपा रहा है, सच सच बता, बात क्या है? अम्मी, वो मेरी क्लास फेलो, देखे हम इकट्ठे डेंटिस्ट बने और अब साथ ही स्पेशलिस्ट भी बने। तो क्या वो भी स्कॉलरशिप में जा रही है? नहीं नहीं अम्मी, वो तो अपने माँ बाप के खर्चे पे जा रही है और मैं अपनी अम्मी की दुआओं के तुफे। Thank you.
बीबी जी आपका तार आया है। तार कहाँ से? Coming soon. लेकिन कब? किस फ्लाइट से? और कितने दिन तक तुम इन बंजर पहाड़ों का नजारा करती रहोगी? जब तक जी भरना चाहे, बल्कि जब तक जी उकताना चाहे। लंदन की फ्लाइट से इस्लामाबाद उतरते ही तुम मुझे यहाँ घसीट लाई। घर पे मेरी माँ और तुम्हारे घर वाले इंतजार कर रहे होंगे। इंतजार कैसे करेंगे? हमने जो तार भेजे थे उनमें इस वक्त और तारीख तो लिखा ही नहीं था। अचानक पहुँच कर सरप्राइज देंगे। भाई मैं तो जा रहा हूँ, तुम्हारा जब जी चाहे चली जाना, बल्कि यहीं रहो और अल्लाह मियाँ से दुआ करो कि बड़ी जोर से बर्फबारी हो, वो पिघले।
शैतान कहीं का चले जा, मैं आने की डेट क्यों नहीं लिखी? मैं कम से कम पहुंच जाती तुझे एयरपोर्ट लेने के लिए। ये बता किस फ्लाइट से आया? लव फ्लाइट बैक होम। और नहीं, मैं दरअसल लग्जरी कोच से आ रहा हूँ। लंदन से लग्जरी कोच? नहीं अम्मी, लंदन से तो फ्लाइट ही पकड़ी थी मैंने, वो लड़की अगवा करके मुझे इस्लामाबाद से मरी ले गई। मैं तो जल्दी आ जाता, वो आने नहीं दे रही थी। वतन की जमीन पर कदम रखते ही तुझे माँ का ख्याल नहीं आया? उसके साथ तो तू 2 साल रहा। हाँ, तो सारी जिंदगी आपके कदमों में रहेगी, वो भी और मैं भी। मगर वो है कौन? कैसी नाज रफ ने मुझे आपकी बात से इतराज है कि सास बहू की सहेली से बन सकती है? सास माँ नहीं बनती तो सहेली कैसे बने? प्रैक्टिकल के बगैर चूड़ी का क्या फायदा है? मुझे यकीन है तुम्हारी सास तुम्हारी सहेली बन सकती है अगर तुम एक अच्छी बहू बनकर दिखाओ। ये मेरी बहू नहीं बन सकती। क्यों नहीं? आप तो जानती? हाँ, मैं इसे अच्छी तरह जानती हूँ। नहीं तो क्या ये इतनी खराब लड़की है कि आपकी बहू नहीं बन सकती? ये इतनी अच्छी है कि मेरी बहू नहीं सही नहीं बन सकती। आइए आइए मिसेस रहमान। आप रुक्यों गई? ने कभी बताया नहीं था कि वो कॉलेज के चेयरमैन की बेटी है। मगर हमें तो जरा ने ये बताया था कि आप तशरीफ ला रही हैं। और ये भी बताया था कि आप किस लिए आ रही हैं। आप चुप नहीं रह सकते। अब इनकी बारी है। तशरीफ रखिए। ये मेरा बेटा है इमरान। आदाब। जीते रहो बेटे। माशाल्लाह बहुत ब्यूटीफुल बच्चा है। तो मेरा मतलब है हमारा बेटा बहुत हैंडसम है। हमें अपनी बेटी की पसंद बहुत पसंद है। तो आपको हमें ये रिश्ता मंजूर है मिसेस रहमान? लीजिए, पसंद की पसंद भी आ गई। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। हेलो, मुझे आपकी बात से इतराज है कि सास बहू की सहेली से बन सकती है? सास माँ नहीं बनती तो सहेली कैसे बने? आओ बेटी आओ, मुझे यकीन है अब प्रैक्टिकल के साथ तुम्हारी थ्योरी भी मुकम्मल हो जाएगी। क्या ख्याल है? बहुत नेक ख्याल है मिसेज रहमान। सास की शक्ल में हमें अच्छी सहेली मिल जाएगी। हमारी बेटी को मिसेज रहमान इसे सहेली नहीं बहू बनाने के लिए आई है। इंशाल्लाह मैं इसे अपनी सहेली ही बनाऊंगी। बिल्कुल ठीक है, हमें सास और सहेली का रिश्ता मंजूर है। तो जाइए फिर जाके मिठाई लेके आइए। अभी जाता हूँ मेरे चांद। ये मेरी सास मेरी सहेली की तस्वीर है। इन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, बहुत कुछ दिया है। जाओ लड़कियों, दुल्हन को उसके कमरे में ले जाओ। मेरी सास थी, आज मुझे माफ कर देना बेटी, मैं तुझे जहेज में कुछ ना दे सकी। अम्मी जान, आपने मुझे तालीम के जेवर से सजाया है, यह आपका मुझ पर बहुत बड़ा एहसान है।
बेटा इस माँ ने अपने दिल का टुकड़ा तेरे हवाले किया है, इसका ख्याल रखना। मैं भी आपका बेटा हूं माँ जी, और बेटे माँ को दुख नहीं सुख दिया करते हैं। भाई साहब, सुरैया गरीब माँ की बेटी है, इसका ख्याल रखना। अमीरी गरीबी की बात मत करो बहन, मैं खुद भी कभी गरीब था, और दुनिया बड़ी दौलत औलाद होती है, ये क्या कम है कि आपने अपनी बेटी हमारे हवाले कर दी है। डरती हूँ कहीं आपकी बीवी। बहुत की फिक्र मत करो बहन, उसने मेहरबान की मेहरबानी देखी है, जाओ जला नहीं देखा। क्यों बेटा? आप ठीक ही कह रहे हैं। बेटा जी, जी दीवारों के भी कान होते हैं। आई वॉन्ट सीक्रेट टॉक विद यू। लिसन जी भैया। बेटे बात दरअसल ये, नहीं नहीं तुम जरा इधर हो ना जी। बात मैं ये कहना चाहता हूँ, बात मेरे जबान पर नहीं आ रही, जरा इधर हो ना, बड़ी खतरनाक बात है। क्या हुआ? अगर बात किसी को बात सुन ले, बात दरअसल ये है कि जो काम मैंने करवा लिया है और जो तुमने करना है, इस वक्त दुल्हन को अपने घर में ले जाके मरना है, तो इसलिए मैंने आज रात तुम्हारे सुहाग रात के लिए किसी होटल में बंदोबस्त करा दिया है। कल सुबह तुम्हारे सामने अपनी दुल्हन को लेके तुम अपनी माँ के सामने जाओगे। हैं तो ठीक है, तो जो करे करतार, एक दूने दो दूने चार। मगर बेटी मेरी जरा सेफ्टी करना, माँ से मुझे बचाना, तुम्हें माँ की तबीयत का तो पता है ना। मैं जाना, अभी तो आप यहाँ पर बड़के मार रहे थे बेटे, वो तो तुम्हारे वो जो ससुराल वाले हैं इनके सामने तो मैंने रोक डाला था। सुरैया बेटी, शादी के बाद लड़की का असली घर उसका ससुराल होता है। तुम्हारी सास चाहे तुझे कबूल करे ना करे, पर बेटी तुमने साबित कर देना है तू मेरी बेटी नहीं, उसकी बेटी, उसकी बेटी। जा बेटी, तेरा लाजी के पास। कराची हो या मर्दान, जिंदगी या तूफान, तेरे आगे आगे मेहरबान, आओ मेरी जान। अम्मीजान मेरी क्लास फेलो थी, हमने एक दूसरे को पसंद किया और आज शादी कर ली। लेकिन हमें ये शादी मंजूर नहीं, हम अपनी बड़ी बहन की बेटी शुगुप्ता को इस घर की बहू मान चुके हैं। ये जानते हुए भी कि बचपन में शुगुप्ता से तुम्हारी मंगनी तय हो चुकी है, तुमने हमारी तोहीन की है। जिद्दी और नालायक शुगुप्ता के बजाय आपके बेटे ने एक अच्छी लड़की को अपनाया अम्मी जान, आप इसके सर पर हाथ रख दीजिए ना। इस लड़की को मैं अपनी बहू नहीं मानती, मेरी बहू वही होगी जिसे मैं तुम्हारे सर पर तेरा से जाकर लाऊंगा। हमें आपकी ख्वाहिश का इल्म था बेगम, इसलिए हम खुद तुम्हारे बेटे के सरवाले बने और आपकी बहू को ले आए हैं, और हमारे सामने आपके बेटे ने इसे तीन बार कबूल किया। मैं अपने जुर्म को कबूल करता हूँ बेगम, आप तो कारोबारी और दूसरे कामों में मसरूफ रहती हैं, हमने अपने बेटे का साथ दिया है, हल्की फुल्की मौसीकी तरतीब दी है, देखो ना धुन भी बहुत अच्छी है, आपको तो पसंद आनी चाहिए। तो तुम भी कान खोल कर सुन लो, इस लड़की के लिए इस घर में कोई जगह नहीं। घर में कोई जगह ना हो लेकिन दिल में तो जगह होनी चाहिए ना। क्या? लो बेटे ये रकम, और किसी पुरफजा मकाम पर हरलपोपो मनाओ। नहीं नहीं, हरलपोपो तो सर्दियों में मनाया जाता है, तुम ऐसा करो कि खरलपोपो मना लो। नहीं अब्बाजान, मैं अम्मी जान की इजाजत के बगैर घर से बाहर नहीं जाऊंगी। तो मैं तुम्हें हुक्म देती हूँ, सफा हो जाओ यहाँ से, वरना धक्के दिलवा कर बाहर निकलवा दूंगी।
इसके सर पर हाथ रख दीजिए अम्मी जान, ये आपकी पहली और आखिरी बहू है और आखिरी दमों तक आपके गिद्धों में बैठना चाहती है। लानत भेजती हूँ मैं ऐसी बहू पर। बेटी, इससे पहले कि ये कुछ भेजे, तुम लोग हनीमून के लिए चले जाओ। यहाँ रहोगी तो ये मलकाए तूफान तुम्हें जीने नहीं देगी और शहनशाह मेहरबान तुम्हें मरने नहीं देगा। ये तुम्हारे सर वाले ससुर का हुक्म है। कमी कमी है, हमारे हुक्म की तामील हो। बेगम साहिबा,
देखा। क्या बात है? इमरान मियां दुल्हन के कमरे में नहीं गए, वो शायद आपके कमरे में जाकर सो गए। पुरानी आदत है, हमेशा यही करता है। इमरान तुम यहाँ? खैरियत तो है ना बेटे? सब खैरियत है मी। तो फिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ अपने कमरे में, दुल्हन तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। उसे इंतजार करने दीजिए मीजा, वो भी मुझे बहुत इंतजार कराती है। उस वक्त बात कुछ और थी, अब वो तुम्हारी बीवी है। नहीं नवेली दुल्हन को गलत तासुर मत दो। नहीं नवेली दुल्हन है तो क्या हुआ? आप क्या चाहती हैं, मैं पहले दिन से ही बीवी का गुलाम बन जाऊं? हाँ ये बात नहीं है बेटे, मैं चाहती हूँ कि बीवी को बीवी के हकूक दो और माँ को माँ के। अच्छा बिल्कुल ठीक है, पहले मेरा माथा चूमिए फिर मैं जाता हूँ। ये अपनी बुक संभाल। औरतों लड़कियों ने घेर रखा था, सोचा तुम्हारे आने तक नहा लूं, फ्रेश हो जाओ। मगर मशरक की दुल्हने ऐसा तो नहीं करती। कौन सी सदी में जी रहे हो मिस्टर इमरान? ये सब तो मुझ पर मुसीबत की तरह लादा गया था, मैं इन सब चीजों की कायल नहीं हूँ। आई डोंट लाइक दिस थिंग, कम ऑन लेट्स गो टू स्लीप। नहीं, मेरा ये ख्वाब नहीं था। लंदन में तुम्हारे साथ रहकर मैंने ये तो महसूस कर ही लिया था कि तुम्हें मगरिब की हवाले चाहिए, मगर ये मैंने कभी नहीं सोचा था कि वतन वापस आकर भी तुम इस कदर मगरिब सदा रहोगी। मैंने भी ये नहीं सोचा था कि तुम लंदन में दूसरा रहने के बावजूद बेखुद होगी। एनीवे आई लव यू, आई कैन नॉट लिव विदाउट यू। आज की रात में तुम्हारे किसे पिटे ख्वाबों की ताबीर बन जाती हूँ, बस इट इज सिर्फ टेबल पॉइंट। जब तक घूंघट के पट ना खुले, नाक में नथ, माथे पे टीका, कानों में बालियां ना दमके, हाथों में फूलों के गजरे नहीं के, दुल्हन भी आकर लाने का फायदा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नाश्ता? तुम्हारा नाश्ता दुल्हन के कमरे में भिजवा दिया है? क्यों, क्या अब मैं आपके साथ बैठकर नाश्ता भी नहीं कर सकता? मेरे आज इतने सालों से नाश्ता कर रहे हो, अब दुल्हन के साथ कर लिया करो। अगर दुल्हन को हमारे साथ नाश्ता करने की तौफीक नहीं तो अकेले कर लिया करे। नहीं बेटे, बीवी के भी कुछ हुकूक होते हैं, वो शौहर के लिए माँ बाप सखी सहेलियाँ सब कुछ छोड़ कर आती है। और माँ के भी कुछ हुकूक होते हैं, वो अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर पाल पोस कर जवान करती है और फिर एक अजनबी लड़की के हवाले कर देती है। तू सिर्फ बहस ही करेगा, मेरा कहना नहीं मानेगा। और आप सिर्फ हुक्म चलाएंगी, इंसाफ नहीं करेंगी। इमरान मैं आज नाश्ता नहीं कर रहा, खुदा हाफिज़। कैसा दिल है आपका, कैसे इंसान है आप? ना मेरे साथ नाश्ता किया, ना मुझे विश किया, अकेले के लिए मैं चले आए। जब तुम्हें हमारे साथ बैठकर नाश्ता करने की तौफीक नहीं हुई तो मुझे भी यहाँ अकेले आने में कोई तकलीफ नहीं हुई। तकलीफ तो मुझे होनी चाहिए जो आपकी खातिर सब कुछ छोड़ दिया, आखिर बीवी का भी शौक पे कोई हक होता है। उठाए पहले नाश्ता होगा, लड़ाई बाद में। कभी कभी लड़ना झगड़ना अच्छी बात है, इससे मियाँ बीवी में मोहब्बत बढ़ती है। चलो पहले नाश्ता कर लो, क्योंकि मैंने भी कुछ नहीं खाया। चलो बेटी। ओहो तुम भी आओ। हाँ
तुम यहाँ बैठी हो, मैं तो तुम्हें बेडरूम में तलाश कर रहा था। ये वक्त है तुम्हारा बेडरूम जाने का? नहीं, अभी तो सिर्फ एक बजे, अभी तो सारी रात पड़ी। तुम्हारा मतलब है मैं अकेले इसी तरह बेडरूम में तुम्हारा इंतजार करती रहूं और तुम आधी आधी रात तक अपनी माँ के पास बैठे रहो? अजरा, डोंट बी सिली। मुझे ऐसा बिल्कुल पसंद नहीं, रात के एक एक बजे तक ममता की माँ के पास बैठे रहते हो। अजरा, तुम होश में तो हो? मैं तो होश में हूँ मगर तुम होश में नहीं हो। तुम कहना क्या चाहती हो? यही कि अगर सारी उम्र माँ की गोद में पड़े रहना था तो मुझसे शादी क्यों की थी? अजरा, इमरान। तूने अजरा को नहीं मुझे थप्पड़ मारा है। मगर अम्मी जानी आपकी तौहीन कर रही थी। ये मेरी तौहीन नहीं बल्कि तुमसे अपना हक मांग रही थी। कान खोल कर सुन लो इमरान, हजरा मेरी बहू ही नहीं मेरी बेटी भी है। आइंदा अगर मुझे तुम्हारी तरफ से कोई शिकायत मिली तो अच्छा ना होगा। माफ करना बेटी, दरअसल ये माँ की शफकत के साये से कभी बाहर ही नहीं निकला। आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगा। ये क्या हो रहा है? वर्दिश, सुना है जान, वो स्प्रिंग खींचने से छाती चौड़ी हो जाती है। नहीं, इस उम्र में छाती चौड़ी करने की जरूरत क्या पड़ गई? आपके सामने सर उठा के बात तो कर नहीं सकते, सोचा छाती ही चौड़ी कर लेंगे। छाती तो क्या खाक चौड़ी होगी, पसलियाँ टूट जाएंगी। पसलियाँ बला से टूट जाए लेकिन हम अपना दिल नहीं टूटने देंगे जो बार बार हमें कह रहा है अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं जवान। इस किस्म की हरकतें जाके बेडरूम में किया कीजिए। हाय, अब बेडरूम में हरकतें करने की कौन सी उम्र रह गई है? अस्सलाम बच्चन, आजा अम्मी जान। वालेकुम अस्सलाम अजरा बेटी, ये तुम्हारी दुकान को क्या हुआ? तुम्हारी तो काया ही पलट गई। ये सब अम्मी जान का कमाल है। कौन सी अम्मी, ये वाली या वो? हाँ यही वाली। वो वाली मेरी सास थी। बेटे कैसा रवैया तुम्हारी सास का? अम्मी मेरी सास बहुत अच्छी है, इतनी अच्छी है कि मैं वाकई बहुत ही अच्छी। नहीं जान, आपसे अच्छी नहीं हो सकती है। अच्छा बेटे तुम नहा धो के आराम करो, बाकी बातें रात को होगी। नहीं अम्मी, मैं वापस जाऊंगी, इमरान मुझे लेने के लिए आएंगे। क्यों इतनी जल्दी क्या है? अम्मी रात को अम्मी वहाँ अकेली होती हैं। वाह कैसा ख्याल है सास का, माँ को बुलाई दिया। बेगम ऐसी सास तो किस्मत वाली बेटी को मिलती है जो माँ को भुला दे। रहमान के साथ गुजरे हुए शब रोज मेरे लिए जन्नत से कम न थे। पत्ता पत्ता बूटा बूटा मोहब्बत के नगमों से सरशार था, मगर मैं इसे एक बात की मुंतजर थी कि कब मेरी सास मुझे अपने मुंह से बेटी कहकर पुकारेगी। और फिर एक दिन अल्लाह ने मेरी सुन ली। काफी दिन हो गए हैं, अब हमें वापस जाना चाहिए। अरे इतनी भी क्या जल्दी है? जी चाहता है कि मैं अम्मी जान के करीब रहूं, उनकी खिदमत करूं, उनसे दुआएं लूं। वो मेरी अम्मी है, मैं उन्हें अच्छी तरह जानता हूं। और वैसे भी तुम मुझे इस जन्नत से निकालकर जहन्नुम में क्यों ले जा रही हो? माँ का घर जहन्नुम नहीं जन्नत होता है रहमान। इंशाल्लाह वो मुझे एक दिन बेटी कहकर जरूर पुकारेंगे। सुरैया तुम बहुत अजीम हो, तुम इंसान नहीं फरिश्ता हो, मगर मेरी माँ जो है ना वो अब्बाजान। सलाम अलैकुम, आप यहाँ पर? अब्बाजान मैंने कपड़े नहीं पहने, एक मिनट अब्बाजान। अब्बाजान
अब्बा जान कपड़े नहीं पहने, क्या तुम स्विमिंग पूल पर खड़े हो? तस्लीम अब्बा जान। जीती रहो बेटी। लो भाई आज हम तुम्हें खुशखबरी सुनाने आए हैं और इस खुशखबरी ने हमें खुश कर दिया है, क्योंकि एक ऐसी खुशखबरी है जिस खुशखबरी के ना लेफ्ट पर को खुशखबरी है, ना राइट पर को खुशखबरी है, ना ऊपर को खुशखबरी है, ना नीचे को खुशखबरी है, और एक ऐसी खुशखबरी है जो खुशखबरी हम तुम्हें सुनाने आए हैं। ऐसी कौन सी खुशखबरी अब्बा जान जो आपको यहाँ तक ले आई? यहाँ तक नहीं लाई मैं खुशखबरी को, यहाँ तक लाया। बेटे देखो सुरैया बेटी, हमने दिन रात मेहनत मुशक्कत करके कारपुर के तुम्हारे लिए तुम्हारी सास के दिल में थोड़ी सी जगह पैदा की, और वो जगह को 3-4 मरले का प्लाट होगा, बिल्कुल कॉर्नर के ऊपर है। अगर तुम चाहो तो 3-4 मरले की बजाय 1.5 कनाल का प्लाट उसके दिल में पैदा कर सकती हो। ये सपोर्ट माई थी डॉटर। अब बात दरअसल ये है कि तुमने दोनों ने चलने की तैयारी करनी है और तुमने मेरे साथ हटो, मैं तुम्हारा बाप तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, कितना हुआ याद जमाना? मैं घर में जगह दी, दिल में नहीं। तुम्हें हमसे एक वादा करना होगा। मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है। तुम अपनी माँ से कोई ताल्लुक नहीं रखोगे, समझ लेना कि वो मर चुकी है। ये ज्यादती है अम्मी जान, आप भी तो मेरी माँ हैं। अगर आपसे आपका कोई बेटा छीन ले तो? कोई बात नहीं है रहमान, अम्मी ठीक ही तो कह रही है, यही तो मेरी माँ है। हम तुम्हारे कुछ नहीं लगते, तुम हमारे बेटे की जिद हो, जिससे हमने वक्ती तौर पर समझौता कर लिया है। क्या हुआ बेटी? सुन लिया अपने अब्बा जान? हाँ सुन। हम दोनों का यहाँ रहना नामुमकिन है। नहीं रहमान, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। बेटे हालात का मुकाबला करना ही बहादुरी है, और फिर मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। अब्बा जान ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है, और वैसे आप अम्मी के सामने जबान क्यों नहीं खोलते? बेटे अगर मैं जबान खोल दूं तो वो मेरा खुलना खोल देगी, तुम्हें तो पता है कि वो कितनी अथरी है, इसलिए मैं कुछ खोलता ही नहीं हूँ। मैं रहमान की माँ हूँ बाजी, मेरे बेटे का फैसला दूध का उबाल है जो चंद ही दिन में खत्म हो जाएगा, और इस घर में बहू बनकर सिर्फ शगुफ्ता आएगी। छोड़िए भी आंटी, मुझे शादी का कोई शौक नहीं। तुम मेरी बहन की औलाद हो और इस घर पर सबसे ज्यादा हक तुम्हारा है, और इस घर में बहू बनकर सिर्फ तुम आओगे। अपनी मनहूस शक्ल लेकर यहाँ क्यों आई हो? इस घर की खिदमत करना अब मेरा फर्ज है अम्मी जान। मत मुझे कहो अम्मी जान, तू इस घर की नौकरानी तो बन सकती है, बहू नहीं। ये शक्ल से तो वाकई नौकरानी लगती है। ससुराल की नौकरी भी नसीब वाले को मिलती है। बेगम, सेट टूट गया तो और आ जाएगा, लेकिन अगर ये टूट गई इंज करके तो आपको जेल जाना पड़ेगा। चुप करो, हर वक्त चुप करो, चुप करो। एक्सक्यूज मी, इसको चुप चुप की बीमारी है, पुराना मना लीजिएगा। ये लड़की मेरी बहू तो क्या, मेरी नौकरानी के काबिल नहीं। सुना है एमए किया हुआ है बाजी, गुर्बत की चादर में लिपटी हुए एमए की डिग्री को कौन देखता है बाजी? ये सिर्फ मेरी जायदाद और दौलत को हड़प करना चाहती है। ये नहीं जानती मेरी ये सारी जायदाद मेरी इस बेटी की है। अम्मी जान की शगुफ्ता को बहू बनाने की जिद कहीं हमारे और तुम्हारे दरमियान दीवार न बन जाए सुरैया। शगुफ्ता के घर आने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा रहमान, मुझे जिंदगी गुजारने के लिए
सिर्फ आपका प्यार चाहिए। मगर मैं घर में अपने प्यार के किसी दुश्मन को बर्दाश्त नहीं कर सकता सुरैया। रहमान, आपको मुझसे कितनी मोहब्बत है। जिंदगी की हम सफर बन गए हो, अब बेशक है। बस आपको मेरी कसम, आइंदा घर छोड़ने की बात नहीं होगी। तुम अपने और मेरे दरमियान किसी रकीब को ना लाने की कसम खाओ, मैं घर छोड़ने की बात नहीं करूंगा। और जरा करीब हो तो मर्द फौरन रोमांटिक हो जाता है। मगर तुम तो मेरी बीवी हो। मियां बीवी के लिए गलत जगह और दिन का उजाला दोनों ही रकीब होते हैं। मगर मुझे तो किसी ने कहा था कि मियां बीवी के दरमियान दिन का उजाला कुछ नहीं कहता। हो सकता है गलत कहा, पर किसी और जगह ट्राई। थैंक यू। कुछ लेकर कुछ देना भी पड़ता है। अच्छा तो ले लो। ये हमारे प्यार की कीमत है। ओ, मैं ये समझा शायद तुम्हें घर के खर्चे की जरूरत है। वैसे क्या पेश करूं? बस रहने दीजिए, प्यार का जवाब प्यार में दिया जाता है। जुग जुग जियो, दूधो नहाओ, पूतो फलो। तुम्हें सताकर बड़ा मजा आता है, जानती हो क्यों? तुम्हारे उदास चेहरे पर बला का हुस्न बरसता है। रहमान जी, अम्मी जी। लड़की, ये रूमियो जूलर का खेल ड्राइंग रूम की बजाय अपने बेडरूम में खेला करो। वो सुनो जी, मैंने सोचा है कि तुम्हारी शादी डिक्लेयर कर दूं। सच अम्मी? हाँ, और तुम्हारी शादी के कार्ड छपने के लिए दे दिए हैं। अगले वीक हम सबको इकट्ठा कर रहे हैं और हम ये ऐलान करेंगे कि ये लड़की हमारी बहू है। ओ मम्मी, ये ग्रेट मम्मी, ये ग्रेट मम्मी। ग्रेट नहीं बेटे, मार्ग्रेट कहो। बेगम, आपको याद है जब हम पहली बार आपके डैडी के पास मुलाजमत के लिए आए थे तो आप ही की नजरे करम हम पर पड़ी थी, आंखें चार हुई और हमें इस घर की मुलाजमत मिल गई थी। उस वक्त भी आप हमें ग्रेट नहीं, मार्ग्रेट लग रही थी। अब उसके बाद क्या हुआ? बस उसके बाद ये हमारी शौहर हो, हम इनके शौहर हो गए। अच्छा, ज्यादा बातें मत बनाओ और चलो मेरे साथ, अभी जाके शादी के सारे इंतजाम करने हैं। अच्छा चलो, मलिका तशद्दुद। सुरैया, अल्लाह ने तुम्हारी सुन ली। अल्लाह सबकी सुनने वाला है। खवातीनो हजरात, पार्टी देर से इसलिए दे रही हूँ कि मेरी बहू शारजा से अभी अभी आई है। मैं शारजा गई तो मेरी एक बेवा सहेली की बेटी मुझे पसंद आ गई, लेकिन वो बेचारी अपनी बेटी की खुशियां देखे बगैर ही इस दुनिया से चल बसी। उसके चेलम के बाद अब मैंने ये पार्टी रखी है। हजरात, अब आप हमारी बहू के तासरात भी सुन लें कि इस घर की बहू बनकर इस बिचारी पर क्या गुजरी। इसकी क्या जरूरत है? इसकी जरूरत है बेगम, कहीं ये मेहमान लोग ये ना समझ लें कि हमारी बहू बहरी या गूंगी है। तुझे अपनी जिंदा माँ की कसम है बेटी,
उन मेहमानों के सामने अपनी झूठी सास का पोल खोल के रख दे। नहीं अब्बा जान, ये मेरा हुक्म है बेटी। तीनों हजरात, अम्मी जान ने ठीक कहा है कि मेरी माँ मर चुकी है। तो फिर रहो इनके कदमों में, मैं यहां पर एक पल भी नहीं रह सकता। था
मैंने घर छोड़ने से इनकार कर दिया तो कहने लगे मैं भी नहीं बताऊंगा मैं कहाँ से बोल रहा हूँ। अरे मुंह से ही तो बोल रहा होगा। जा चली जा बेटी, क्या रखा है जहन्नम में, वो तुम्हारा मिजाजी खुदा है, अपने शोहर के प्यार को ना ठुकरा। माँ के कदमों की जन्नत छोड़कर कैसे चली जाओ, ये मकसद नहीं हो सकेगा, ये मकसद नहीं हो सकेगा। तुम उस औरत को माँ का दर्जा दे रही हो जो तुम्हारी सास बनने के लिए भी तैयार नहीं। क्या पट्टी पढ़ा रहे हो अपनी सहेली को? पट्टी नहीं, सहारा पड़ा रहा हूँ शोहर परस्ती का और शिकवा कर रहा हूँ खुदा। अगर मेरे माँ बाप ने मेरा नाम मेहरबान रख दिया था तो नाम मेहरबान बीवी से ना देता। बीवी कलील, मेरे खिलाफ मेरे शोहर को भड़काने शुरू कर दिया है तुमने। क्या कह रही हो बेगम? हट जाओ मेरे रास्ते से, इस सराफा ने मेरा सुकून बर्बाद करके रख दिया है, अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, तुझे मारूंगी, जिंदा नहीं छोड़ूंगी। छोड़ो ये जुल्म, बंद करो, घर पर खुदा का कहर टूट पड़ेगा। साहब बाहर छोटी बेगम साहिबा की अम्मी। अम्मी चलो बेटी। नहीं मैं बाहर नहीं जाऊंगी, मेरी कोई माँ नहीं है, मेरी माँ तो मेरे सामने खड़ी है। उस लीज को इस घर के दरवाजे तक आने की जरूरत कैसे हुई? आप खुद चल के पूछ लें बेगम साहिबा। चलो बेटी, ये तुम्हारे ससुर का हुक्म है, चलो। तेरी माँ को तो इससे मिलवाने लाए हैं बेटी। इस बेचारी ने तो मना किया था कि तुझे मरने की खबर भी ना दी जाए। अगर तेरी माँ का मुंह तुझे दिखाए बगैर इसे दफन कर देते तो हम तेरे और अल्लाह के गुनाहगार होते, तुझे सारी जिंदगी सब्र ना। की मौत का बहुत गहरा सदमा हुआ है, आप किसी तरह इन्हें रुलाने की कोशिश करें। डॉक्टर साहब ये तो बेचारी पहले ही बहुत रो चुकी है। अब अच्छा चलो जैसे आप कहते हैं। बहरहाल आप आइए मेरे साथ, मैं आपको चंद दवाएं दे देता हूँ। चलिए इधर आइए। सुरैया सुरैया, अगर इसका सप्ता ना टूटा तो ना जाने घर का क्या हो। ये सब मेरा कसूर है, मैंने इस बेचारी पर बड़े सितम किए हैं, मैंने ये आग लगाई थी और मैं अब मैं ही इसे बुझाऊंगी। होश में आ बेटी, होश में आ, तेरी माँ मर गई है तो फिर क्या हुआ? आज से मैं तेरी माँ हूँ। हाँ हाँ मैं तेरी माँ हूँ, अगर तू होश में नहीं आई तो मैं तेरे कदमों में जान दे दूंगी, जान दे दूंगी। मुझे माफ कर दे बेटी, मुझे माफ कर दे सुरैया बेटी, मुझे माफ कर दे। तुम्हारी सास चाहे तुझे कबूल ना करे
पर तूने साबित कर देना है तुम मेरी बेटी नहीं उसकी बेटी हो, उसकी बेटी हो। नहीं अम्मी नहीं, आपकी जरूरत कर्मों में नहीं, मेरी दिल में है। सुरैया बेटी अम्मी जा। या मेरे खुदाया, ये मैं क्या देख रहा हूँ, कहीं मेरी नजर पहंगी तो नहीं हो गई? तुम्हारी नजर पहंगी नहीं हुई है, ये हकीकत है। अब हम बिल्कुल बदल जाएंगे, खुदा का शुक्र है हमारी बेटी होश में आ गई। सुरैया बेटी, हम आपसे बहुत शर्मिंदा हैं, हमें माफ कर दो। ये आप कैसी बातें कर रही हैं? ये होनी है या अनहोनी, अगर यही होनी है तो फिर क्या होनी है? खुदा का शुक्र है बेटी कि तुम ठीक हो गई हो। बेगम, इसमें सुरैया बेटी की दवाइयां हैं और इसमें नींद की गोलियां हैं। डॉक्टर साहब ने कहा कि अगर नींद ना आए तो एक गोली खिला देगा। तुम फिक्र ना करो, मुझे यही रहना है, मैं खुद ही दवाई दे दूंगी। तो क्या आप सारी रात सुरैया बेटी की तीमारदारी करेंगी? क्यों, मैं बीमार बेटियों की देखभाल नहीं किया करती? आज मैं अपनी बेटी के पास रहूंगी। बेगम, ये तुम कह रही हो? हाँ मैं कह रही। ना बेटी, आज फौलादी पत्थर भी मोम हो गया है। कैसी तबीयत है मेरी बेटी की? आपने बेटी बना लिया, अब मुझे दुनिया का कोई गम नहीं। हेलो रहमान, आप घर आ जाइए प्लीज, अम्मी बहुत परेशान है। आप अपने पता तो बताइए, मैं खुद आ जाऊंगी। देखो सुरैया, मैं तुम्हें आखिरी बार फोन कर रहा हूँ। मैं नेशनल होटल के कमरा नंबर 202 से बोल रहा हूँ। मैं तुम्हारा कल सुबह तक इंतजार करूंगा। अगर तुम ना आई तो मैं तुम्हें छोड़कर लंदन चला जाऊंगा। हेलो 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 बेटा, मैं तुम्हारी माँ बोल रही हूँ। हाँ, तुम कहाँ ठहरे हुए हो? हेलो हेलो, बंद कर दिया। ये किसका फोन था? रहमान का। कहाँ से बोल रहा है? तुम फिक्र नहीं करो, इंशाल्लाह तुम्हारा बेटा कल तक घर वापस पहुंच जाएगा। अच्छा मम्मी। हाँ बेटी, और उसे लेने भी तुम ही जाओगी। है बिजली छतरी वाले, ये तुम क्या खरीद रहे दिखा रहा हो? क्या चलो ठीक है, मम्मी इंतजार कर रही होंगी। आज यही सो जाओ बेटे, सुबह माँ से मिलते हुए क्लिनिक चले जाना तुम दोनों, और फिर शाम को वापस आ जाना। दो चार दिन तो हमारे पास रहो ना। नहीं खाला जान, अम्मी मेरे बगैर उदास हो जाती। तो क्या हुआ, मैं भी तो अपनी बेटी के बगैर बेचैन रहती हूँ। ठीक है खाला जान, आप अजरा को अपने पास रख लीजिए, मैं चलता हूँ। खैर इमरान, मैं भी चलती हूँ, तुम यही रहोगी बेटी। बेहतर है, मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज। वो अगर अपनी माँ का प्यारा है तो तुम भी मुझे बहुत प्यारी हो। तुमने अच्छा नहीं किया बेगम, दामाद के साथ ऐसा सलूक। आप चुप नहीं रह सकते, हमने कोई उनके हाथ अपनी बेटी बेच नहीं रखी। ओहो, लंदन में भी तो मेरे बगैर तुम्हें नींद आती थी बेटे, तुम्हें उनकी बात मान लेनी चाहिए थी, वही सो जाता मुझे फोन करते थे। कैसे सो जाता वहाँ, वो अपनी बेटी के बगैर नहीं रह सकती तो मेरी माँ बेटी के बगैर कैसे रह सकती? बेटी की माँ तो सारी जिंदगी बेटी के बगैर रहती है इमरान, तुम अपनी माँ के प्यार में ये क्यों भूल जाते हो कि यही जज्बात अपनी माँ के लिए तुम्हारी बीवी के भी होंगे? हुआ करें, मैं उसको उसकी माँ के घर छोड़ आया हूँ और मैं वहां तब तक उसे नहीं लेने जाऊंगा जब तक वो मुझे खुद फोन करके नहीं बुला लेती। बस बात खत्म। अच्छा अच्छा, अभी तुम सो जाओ, सुबह मैं तुमसे बात करूंगी। चलो होता, चलो चुप करके सो जाओ।
गए थे उस पर कुछ दिन तो कायम रहते, सिर्फ दो घंटे में ही बंद कर दिया। अम्मी इमरान का फोन होगा, मुझे बात तो करने दी होती। तुम अभी बच्ची हो, मर्दों के हथकंडे नहीं जानती, सो जाओ चुप करके। अजरा तशरीफ ले आए। सलाम अलैकुम। क्या बात है अजरा, आज तुम्हारा मूड कुछ ज्यादा ही खराब लगता है। आपके लाड़ने तो ज्यादा खराब नहीं। मालूम होता है तुम दोनों का झगड़ा हो गया है। अरे भाई ये तुम दोनों का मामला है, इसमें मेरा क्या कसूर है? आप क्या क्या कसूर होगा, आप तो बेटे की माँ है। कसूर तो बेटे की माँ का होता है, जो किसी के बेटे को बेटे देकर उसे घर में दो दिन रखने का हक भी नहीं रखती। असरा मैंने तुम्हें कभी ये एहसास होने दिया कि तुम पर तुम्हारी माँ का कोई हक नहीं? आपने तो कभी मुझे सोचने भी नहीं दिया कि आप मेरी सास हैं। लेकिन इमरान ने तुम्हारे साथ अगर कुछ ज्यादती की है तो मुझे बताओ, मेरे जीते जी वो तुम्हारे साथ कोई बेइंसाफी नहीं कर सकता। मैंने इमरान के गुस्से में आकर आपके मर्तबे को नजरअंदाज किया, मुझे माफ कर दीजिए। अरे पगली इसमें माफी की क्या बात है, मुझसे रूठना तुम्हारा हक है और तुम्हारा गिला दूर करना मेरा फर्ज। अम्मी मुझे एलर्जी है, हर हफ्ते दो हफ्ते बाद सर में खुजली होती है। शैम्पू कौन सा इस्तेमाल करती हो? शैम्पू वैम्पू से कुछ नहीं होता अम्मी, और ना किसी दवाई से फर्क पड़ता है। आखिर इसका कोई इलाज तो होगा? इलाज में फुफी जान किया करती थी, हर हफ्ते सरसों के तेल की मालिश। अगर आप इजाजत दे तुम्हें हो खानो सरसों का तेल और कंगा लाना। चलो आओ आपका। हाँ हाँ कम बखत जोर से दबा, तेरे हाथों में जान नहीं है, सारा दिन चलती रहती कम बखत, और मैं एक बिस्किट नहीं खा सकती कम बखत, तेरा मुंह जले। आपका क्या सोच रही हो, आओ बैठो। कुछ नहीं मैं तो कुछ भी नहीं सोच रही थी। शुक्रिया अम्मी। अम्मी ये मेरी सहेली है आफ्ताब। आदाब आदाब। आफ्ताब ये मेरी सास नहीं माँ है। माँ वो तो मैंने देख ही लिया है, ऐसी सास अल्लाह हर एक को दे। अच्छा तुम लोग बैठ कर गप्पे मारो, मैं तुम लोगों के लिए चाय बनाती हूँ। आप लेने लीजिए अम्मी, मैं बनाकर लाती हूँ चाय। जब मेरी सहेली आएगी ना मैं गप्पे मारूंगी और तुम चाय बनाना, ठीक है? ठीक है। बैठो। अजरा तुम्हारे सास तो वाकई सास नहीं लगती, तुम्हारे सहेली लगती है। भाई देखो कहीं नजर ना लगा देना। अरे नहीं मैं तो चाहती हूँ सबको ऐसी सासें मिले। तुम अपनी सास को मेरी सास के पास ट्रेनिंग के लिए भेज दो, वो अच्छी सास बनना सीख लेगी। वो तो उन्हें भी अपने जैसा बना के छोड़ेगी। तू यहाँ बैठ के मेरी बुराइयां कर रही है। अरे मैं पड़ोस में जरा सी देर जाके निकली तो सारा काम छोड़ दे। अल्लाह तौबा तौबा, उस दिन मेरी अच्छी बनी दाल निकाल कर मेरी हथेली बरसी इस कमरे से।
आए की सास अम्मी जान क्या कर रही हैं आप? बहू के साथ ऐसे सुलूक किया जाता है? बहू भी तो बेटी होती है। तो बहू का बेटी बनाकर मैं तो बहू का बहू ही समझूंगी, समझी? ऐसा लगता है आप इसे बहू भी नहीं समझती। आप मेरी सास नहीं माँ है, माँ नहीं सहेली है। दीवानी हो गई है, शिमराम आने वाला है, वो देखेगा तो क्या सोचेगा, बहू और सास मिलकर अकेलिया कर रही। चल जा वहाँ पे तैयार हो जा, जल्दी से। ये लो जा। ये क्या है? ये है तुम्हारा खाने पकाने का चार्ट। क्या मतलब? मतलब ये कि खानसामा छुट्टी पर है, नई नवेली दुल्हन के हैसियत से बड़े ऐश कर लिए तुमने, अब से किचन अम्मी ने ही तुम संभालोगी। मुझे जो खाने पसंद है वो मैंने इस चार्ट में लिखती है, आज से तुम मुझे अपने प्यारे प्यारे हाथों से खुद खाना पका के खिलाओ, ठीक है? लेकिन लेकिन मुझे तो क्या मुझे तो सब पकाने आते हैं। हाँ तो बस ठीक है फिर। एक बात तो बताओ जरा, ये पूछिए, कॉलेज में गपशप के पीरियड में तुम जो खाने पका कर लाती थी वो क्या तुम खुद पकाती थी? और हाँ, तुमने प्राइस भी तो ली थी मुझसे? नहीं अम्मी, वो सब तो हमारा खानसामा पकाता था, क्योंकि मेरी अम्मी को भी तो कुकिंग नहीं आती ना। मुझे इस बात की खुशी है कि तुमने मुझसे झूठ नहीं बोला। वाह 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 वाह, आज तो खुशबू बता रही है कि कोफ्ते बने हैं अम्मी, लेकिन कल के कबाबों की तरह इन कोफ्तों में से कोई जानी पहचानी खुशबू से आ रही है ना? क्या समझते हो मेरी बहू को? अच्छा अगर तुम इन कोफ्तों की कसम सच सच बता दो कि तुम्हारा उस्ताद कौन है खाना पकाने? मेरी एक सहेली। अच्छा चलो इस पुलाव की कसम तुम सच सच बता दो कि तुम्हारी उस
लग रहा है। एक ही दिन में गड़ने लगी हाँ। अभी तो इमरान पूरे 15 दिन कराची रहेगा। मैंने कहा भी था कि मुझे भी क्लिनिक का सामान खरीदने के लिए साथ ले चलो, तो कहने लगे तुम बोर हो जाओगी और मेरे पीछे क्लिनिक की प्रैक्टिस भी चौपट हो जाएगी। ऐसा करो रात को तुम अम्मी के वहाँ चली जाया करो। आखिर बन गई ना साथ, अम्मी के यहाँ तो जाया करो आपको अकेले छोड़कर। यूं क्यों नहीं कहती कि चल तुम ऐसा सोचा। किसने मना किया, चल सो जा। मगर वैसे सोऊंगी जिस तरह अम्मी के साथ सोया करती थी। जैसे तेरा जी चाहे। चल सो जा। कर रही हूँ जैसे मम्मी के साथ सोया करती थी वैसे ही कर रही हूँ। वीना सोचिएगा कि छोटी होकर अपनी टांग ऊपर रख रही हूँ, आप चाहें तो अपनी टांग ऊपर रख लें। बाबा आजकल छोटों की टांग ऊपर ही रहना चाहिए। सहेली जी ये तो बताइए कि आपकी सास भी आपसे इतना ही प्यार किया करती थी, कितना मुझसे करती है? जितना प्यार मुझे मेरी सास ने दिया उसके मुकाबले में तो मैंने तुम्हें कुछ भी नहीं दिया। बेटी हमें जाना रमजू के हाथ भिजवा देती, माँ भी कहती हो, मगर मुझे ऐसा लगता है कि तुमने अभी तक मुझे माफ नहीं किया। ये बात नहीं है अम्मी जान, मैं तो आपको अपनी अम्मी से भी ज्यादा काबिल एहतराम समझती हूँ। तो फिर लो दूध पी लो। सुरैया बेटी मैं तुमसे एक बात करना चाहती हूँ। जी अम्मी जान। बेटी तुम एक गैरतमंद माँ की बेटी हो और मुझे भी फख्र है कि आपने मुझे अपनी बेटी बना लिया। बेटी अगर तुम मुझे अपनी सगी माँ से भी ज्यादा समझती हो तो मेरी एक पहली और आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दो। हाँ हुक्म करें अम्मी जान, मुझे अपनी मरी हुई माँ की कसम है मैं तो आप पर अपनी जान भी कुर्बान कर दूंगी। सुरैया बेटी मेरी बेवा बहन मेरी माँ की तरह है, मैंने उसे जुबान दी थी कि शगुफ्ता मेरी बहू बनकर इस घर में आएगी। रहमान की नजर इंतखाब तुम पर पड़ गई और अब मैं मर तो सकती हूं मगर बेवा बहन को मुंह नहीं दिखा सकती। एक तरफ मेरी आन है और दूसरी तरफ तुम्हारा सुहाग, क्या तुम मेरी खातिर अपना सुहाग कुर्बान कर सकोगी? जवाब तो बेटी, अब मेरी जिंदगी और मौत का फैसला तेरे हाथ में है। एक बेटी अपनी माँ को मौत के हवाले कैसे कर सकती है अम्मी जान? तो फिर इसे अपनी माँ का हुक्म समझो या इल्तिजा। कल सुबह तक मेरे बेटे की जिंदगी से दूर चली जाओ। मैं तुम्हें इतनी दौलत दे दूंगी कि तुम बाकी की जिंदगी आराम से गुजार सकोगी। मुझे कुछ नहीं चाहिए अम्मी जान, सिर्फ एक आखिरी ख्वाहिश है। हाँ हाँ कहो कहो बेटी, मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करूंगी। मैं रहमान से आखिरी बार मिलना चाहती हूँ। मुझे मंजूर है, वो नेशनल होटल के कमरा नंबर 202 में है। अगर कल सुबह तक मेरा बेटा वापस आ गया तो मैं समझूंगी मेरी बेटी ने अपना हक अदा कर दिया है। करने को भी जी नहीं चाहता, तो
तुमने मुझे इतना तड़पाया, इतना तड़पाया।
सुरैया, सुरैया बेगम साहबा, क्या किसी का इंतजार हो रहा है? हाँ, एक ऐसे मेहमान का जिसका सिर्फ माँ को इंतजार होता है। तो बेगम साहबा, फिर मेहमान के लिए मैं बंदोबस्त करता हूँ। बेगम, बहू कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। मुझे सब कुछ मालूम है। तुम्हें इस लहजे में मुझसे बात करते हुए शर्म नहीं आती? शर्म मुझे नहीं, तुझे आनी चाहिए। मेहरबान, खबरदार, ये आवाज में बोली तो गला काट के रख दूंगा। आखिर मुझे करो, नहीं तो करो आके बताओ बहू कहाँ है? मुझे नहीं मालूम, भाग गई होगी किसी आदमी के साथ। खामोश। खबरदार, उस मजलूम की शान में कोई गुस्ताखी की तो सारी जिंदगी तुम बोलती रही हो और मैं सुनता रहा हूँ। मैं बोलूंगा और तुम सुनोगी। समझता था कि खुदा के खौफ ने तुम्हें बदल दिया है, मगर वो सब अदाकारी थी, धोखा था, फरेब था। उसे बेटी बनाकर माँ तो हुक्म माने पर मजबूर कर दिया और उसे घर से निकाल दिया। याद रखो बेगम, खुदा की लाठी भी आवाज है, तुम्हें इस जुर्म की सजा जरूर मिलेगी। अच्छा हुआ बेटे तुम घर वापस आ गए, मैंने तुझे बहुत ढूंढा। अब्बा जान, मैं पूछ रहा हूँ सुरैया कहाँ है? मैं उसी के बारे में तुम्हारी माँ से पूछ रहा था। अब्बा जान, वो रात को थी मेरे पास होटल में, लेकिन जब सुबह मेरी आँख खुली तो ये देखिए, ये रुका। प्यारे रहमान, जिस वक्त आपको ये खत मिलेगा, सुरैया आपकी जिंदगी से बहुत दूर जा चुकी होगी। आपसे प्यार तो मुझे बहुत मिला, मगर आपका साथ मेरा मुकद्दर न बन सका। सुहाग रात आपने मुझसे एक वादा किया था कि जिंदगी में जब चाहूं हक महर के तौर पर आपसे कोई एक चीज मांग लो। सुरैया आपको अपनी मोहब्बत का वास्ता देती है। आप अपनी खाला की बेटी शगुप्ता से शादी कर ले। अगर आपने ऐसा ना किया तो मेरी रूह कयामत तक बेचैन रहेगी। आपकी सुरैया। आओ बेटी, चले। मेरे बेटे को कहाँ ले जा रहे हो? जहन्नम में जाना है तुमने। बेगम साहब, मैंने चाय तैयार कर दिया है, मेहमान अभी तक नहीं है। हाँ? बेगम साहब, ये नक्शा कैसे बन गया? अरे बाप रे, अगर इसी तरह मुझे मुंह पे थप्पड़ पड़ते रहे तो मेरा मुंह फिटे में हो जाएगा। अब अगर इन्होंने मार दो, मैं सीधा थाने जाके लंबी रबड़ दर्ज कराऊंगा। दरिया से ये दुपट्टा मिला। ये दुपट्टा तो सुरैया का। अब्बा जान, होश रखो, जो खुदा को मंजूर। ये लाश अभी मिली नहीं, तलाश जारी है। समझ में नहीं आता कि आपने ऐसी हरकत की क्यों। मर जाती तो आपके साथ एक और जिंदगी खत्म हो जाती। जी, तुम्हें पता नहीं कि तुम मां बनने वाली हो? मैं रहमान की इस निशानी के लिए जरूर जीऊंगी। सहेली जी, अब उठ जाइए। रात तो बड़ी ताकीद कर रही थी कि मैंने सुबह कॉलेज जाना है। सुबह के 7:30 बज चुके हैं, उठिए। 7:30 बज चुके हैं। बीबी जी, एक बुजुर्ग आपसे मिलने की जिद कर रहे हैं। तुमने बताया नहीं, दाखिले के लिए मैं किसी से नहीं मिलती। वो कहते हैं मुझे उनसे कोई जाती काम है। जाती काम? अच्छा, बुला लो। सुरैया बेटी,
तुम? मुझे क्या मालूम था कि तुम मुझे यहां मिल जाओगी। मैं तो पोती को दाखिल कराने आया था। पोती? हाँ, मेरी पोती, रहमान की बेटी। सलमा बेटी, अंदर आओ। आदाब। बेटी बैठो। रहमान, रहमान तो खुश है ना? रहमान वो तो जाने कहाँ है। कहाँ चले गए? क्या हुआ उन्हें? क्या बताऊं बेटी, तुम्हारे जाने के बाद चंद दिन घर रहा, फिर न जाने कहाँ चला गया। ये आप क्या कह रहे हैं अबाजान? मेरे बाद क्या हुआ था? तो सुनो बेटी, जिस रात तुम रहमान के पास होटल में गई थी, उसकी दूसरी सुबह मैंने तुम्हें पूरे शहर में तलाश किया, लेकिन तुम्हारा कोई पता नहीं चला। मोहब्बत का वास्ता देती है। आप अपनी खाला की बेटी शगुप्ता से शादी कर ले। नहीं सुरैया, मुझसे वो चीज ना मांगो जो मैं तुम्हें नहीं दे सकता। तूने ये मुझसे नहीं हो सकेगा, ये मुझसे नहीं हो सकेगा। जाएगा, कब तक सुलग सुलग कर माँ का कलेजा जलाता रहेगा बेटा? मुझे मेरे हाथ पे छोड़ दो। कैसे छोड़ दूं बेटा? अपना नहीं तो मेरा ही कुछ ख्याल कर, अपनी माँ की आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दो बेटा। शगुफ्ता से शादी कर लो बेटा, सब ठीक हो जाएगा बेटा। सुरैया आपको अपनी मोहब्बत का वास्ता देती है, आप अपनी खाला की बेटी शगुफ्ता से शादी कर ले। अगर आपने ऐसा ना किया तो मेरी रूह कयामत पर बेचैन रहेगी। आपकी सुरैया। मेरे बच्चे। माँ, आप मुझे दूल्हा बनाना चाहती हैं ना? चलिए, आप अपनी खुशी पूरी कर लीजिए। रहमान, मेरे बच्चे, तू चुप चुप जिए, तुझे मेरी भी उम्र आ जाए। हाँ मेरा बेटा।
इमरान। आपने मेरे लिए बहुत बड़ी कुर्बानी दी है, मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भुला सकूंगी। ये एहसान नहीं, हमारी जीत है। हम दोनों की जीत है सुरैया, दोनों की जीत है सुरैया, दोनों की जीत है सुरैया। मैं तुम्हारे लिए बहुत तड़प रहा था सुरैया। सुरैया तुम कहां थी सुरैया? आज आप खुल खुला के नाश्ता करें, खूब खाएं, खूब पिए और मुंह पर हाथ करें। देखे ना बेगम साहिबा के खौफ से आपका मुंह फिसे हजमाने जैसा हो गया। रमजू जी, बेगम साहिबा। रमजू आज छोटी बेगम साहिबा का एक पसंद का नाश्ता बनाओ। आप फिक्र न करें, ऐसा नाश्ता बना के दूंगा छोटी बेगम साहिबा को कि याद करेंगी। शुक्र है खुदा का, इस घर में मेरी पसंद की बहू आ गई है। सुरैया की नुसरत चलते ही इस घर में बहार आ गई है। बहार नहीं, बुहार। आप ठीक कहते हैं अंकल, इस घर को जन्नत बनाने वाला तो चला गया। क्या कह रही हूँ बेटी? ठीक कह रही हूँ खाला, आपने मुझे अपनी जायदाद और दौलत का मालिक तो बना दिया, मगर मैं आपके बेटे की मालिक ना बन सकी। रहमान कहाँ है? रात तो वो मेरे कमरे में ही था, मैं उसकी बेरुखी देखकर उसके करीब गई, तो उसने मुझे सुरैया कहकर गले से लगा लिया। जब तक अंधेरा रहा मैं सुरैया बनी रही, मगर सुबह की रोशनी ने मुझे फिर शगुफ्ता बना दिया। जाहिर है आपका बेटा आज शगुफ्ता के करीब कैसे रह सकता था। ये क्या कह रही हो बेटी? अब इतने भी अनजान ना बनो खाला, रेगिस्तान भी कभी गुलिस्तान बना है। ये खत दे गया है तुम्हारा बेटा, लिखता है मरने वाले से किया हुआ वादा निभाया है और अब हमेशा के लिए घर छोड़ कर जा रहा है। परेशान होने की जरूरत नहीं है खाला, मुझे अगर शौहर नहीं मिला तो क्या हुआ, आपकी सारी दौलत और जायदाद तो मिल गई है ना। और चुपो, बहार आ गई है, कलियां खिल गई हैं, जायदाद मिल गई है, फिटे फुटा। शादीशुदा लड़की का खैर मर्द के साथ रात को घर से बाहर रहना बेहयाई है। वो मेरा बॉयफ्रेंड है और आजकल के दौर में बॉयफ्रेंड का होना कोई बुरी बात नहीं। और अभी तो मैं घर जल्दी वापस आ गई हूँ, वरना सुबह के 5 भी बज सकते थे। चादर और चार दीवारी शरीफ लड़की की पहचान है बेटी, क्या घर की चार दीवारी में रहने वाली लड़की शराफत की गारंटी बन सकती है? मेरा मतलब ये नहीं था बेटी। तो और क्या मतलब था आपका? देखो बेटी, तुम मेरी बहन की औलाद हो, तुम्हें समझाना मेरा फर्ज है। और फिर ये घर किसी गैर का नहीं, तुम्हारा अपना है। घर घर वो होता है जहाँ बीवी को शोहर की सूरत नजर आए। मेरे लिए तो ये घर एक कैद खाना है जहाँ मेरा दम घुटता है। तुम्हारी सोच गलत है बेटी, मैं अपनी अच्छाई बुराई बेहतर समझती हूँ, आइंदा मुझे समझाने की कोई जरूरत नहीं। अंडरस्टैंड? को खींच कर दिन में घर तक ले आई हो, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मगर मुझे पसंद है, आपने मेरे फ्रेंड्स के सामने मेरी सेल की है। सबर की भी कोई हद होती है शगुफ्ता, ये कलब नहीं
मेरा घर है। आपका नहीं है ये घर, इस घर की मालिक मैं हूँ। मैं इसे होटल बनाऊ या क्लब, मेरी मर्जी। मत पूछिए कि आप कानूनी तौर पर मुझे सब कुछ दे चुकी है, और मैं चाहूँ तो आपको इस घर से निकाल सकती हूँ। देखा देखा तुमने, ये मुझे घर से निकाल रही है। देख भी रहा हूँ और सुन भी रहा हूँ। सास बहू का मसला होता बेगम तो मैं कुछ कहता, मगर ये तो खाला भांजी का झगड़ा है। मैं कुछ नहीं कहता। बेटी तुमने जो कुछ कहा बिल्कुल दुरुस्त कहा है। शुगुप्ता, शुगुप्ता, आप घबराने की कोई बात नहीं, ब्रेक डांस ब्रेक हो गया। शट अप, डॉक्टर को फोन करो। शुगुप्ता, शुगुप्ता, बनने वाली है। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। शुगुफ्ता बेटी, कहाँ जा रही हो? अब तुम्हारे आराम करने के दिन है बेटी। आप कहना क्या चाहती हैं? अब वो रमजू बता रहा था। मैंने ठीक किया है, आज के बाद जिसे जिस चीज की जरूरत हो वो मुझसे मांगे। क्या मैं भी? हाँ आप भी। कोई बात नहीं, तुम भी तो मेरी बेटी ही हो, मगर बेटी जहन पर ज्यादा बोझ डालने से तुम्हारे बच्चे की सेहत पर बुरा असर पड़ेगा। ये बच्चा आपके बेटे का है, मेरा नहीं। खुदा ना करे बेटी, ये तुम कैसी बात कर रही हो? मैं ठीक कह रही हूँ, मेरा इससे कोई रिश्ता नहीं। मेरे लिए आपका बेटा और ये बच्चा दोनों मर चुके हैं। शगुफ्ता, मुझे आंखें दिखाने की जरूरत नहीं। बच्चे का शौक होगा आपको, मुझे नहीं। मेरे लिए तो ये बच्चा पाँव की जंजीर बन गया है। शुक्र करूंगी जिस रोज मुझे आजादी मिलेगी। फिर क्या हुआ बच्चा? बहुत कुछ हुआ बेटी। तुम्हारी सास ने जितने दुख तुम्हें दिए थे, शगुफ्ता ने उतने ही जख्म उसके सीने पर लगाए। वो तड़पती रही, जलती रही, और मैं उसे कुदरत की सजा समझकर खामोश रहा। और फिर एक रात। ये आवाजें कैसी हैं? ये आपकी भांजी अपने दोस्त के साथ मिलकर हमारी इज्जत पर तहखे लगा रही है। शगुफ्ता, आप बगैर इजाजत मेरे कमरे में क्यों आई हैं? तेरे जैसी बेगैरत लड़की के कमरे में आने के लिए मुझे किसी इजाजत की जरूरत नहीं। बेशर्म, मैं तुझे बहू बनाकर इस घर में लाई, तुझे सराखों पर बिठाया, तेरी हर ज्यादती बर्दाश्त की और सब कुछ तेरे हवाले कर दिया। इसलिए तू मेरी बहन की बेटी थी, मगर तूने इस घर की इज्जत की धज्जियां बिखेर दी है। अब मुझ में और बर्दाश्त नहीं है। अब तुम इस घर में नहीं रह सकते, निकल जाओ यहाँ से। तुम कौन होती हो मुझे इस घर से निकालने वाली? ये घर मेरा है, यहाँ की हर चीज की मालिक मैं हूँ। गेट आउट, आई से गेट आउट। शगुफ्ता, तुमने मुझे थप्पड़ मारा, जलील औरत। होश में हो बेगम, बेगम।
उसकी माँ? आई एम सॉरी, खून काफी बह चुका है। गुलशन उजाड़ कर अपनी जिद का जो तुमने पौधा लगाया था उस पर फूल निकल आया है बेगम। बेगम इसे गौर से देखो, इस फूल से तुम्हें खुशबू नहीं जले हुए अरमानों की बू आएगी। बता बेगम, इसे मैं कहां ले जाऊं, किसकी गोद में डालूं, किस मां के दूध दर्द की प्यास बुझाऊं? बोलो बेगम, जवाब दो, जवाब दो। नहीं देती जवाब, तुम तो जिंदगी के सफर में साथ ना दे सकी, अब इस मासूम के साथ बाकी का सफर अकेले ही तय करना पड़ेगा। मेरे पास और एक प्यारी सी बहू भी, बाकी बातें गाड़ी में होगी। ये बड़ी खुशी की बात है, चलो सलमा, डबल 50। और फिर मैंने रहमान की निशानी का नाम इमरान रखा और उसके लिए जीने का फैसला कर लिया। एक कॉलेज में लेक्चरार हो गई और मुस्तकबिल को किस्मत के रहमो करम पर छोड़ दिया। मेरी सास इतनी मजलूम औरत है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अजरा, इतनी छोटी औरत और इतनी बड़ी तस्वीर में? आप मेरी निगाह से देखिए अब्बा जान, अम्मी जान के लिए मेरे दिल में कितनी इज्जत कितनी मोहब्बत, ये कोई नहीं जानता। माँ का रिश्ता तो अजीम होता है। अजीम ये नहीं, तुम हो। बेटी, तुम इंसान नहीं फरिश्ता हो। जी अम्मी, इन्हें आदाब करो, ये मेरे सुसर हैं और तुम्हारे दादा सुसर हैं। आदा। जीती रहो बेटी। और ये तुम्हारी नंद सलमा है, मेरी नंद। हाँ, मेरी बेटी और इमरान की बहन। मगर
मगर ये सब? ये सब कुछ मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी, पहले तुम खाने पीने का बंदोबस्त करो। क्यों? ये मगर बेटा इमरान कहाँ है, उसको तो शो करो। इमरान के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा, वो क्लिनिक का सामान लेने के लिए कराची गया है। मैं आई कम इन सर? यस कम इन। सर दरअसल मैं कुछ सामान की परचेज के सिलसिले में हाजिर हुआ था। तशरीफ रखिए। थैंक यू। सर मेरा लाहौर में एक डेंटल क्लिनिक है। कुछ सामान तो मैंने मार्केट से परचेज कर लिया है, मगर बाकी की चीजें मार्केट में अवेलेबल नहीं है। मुझे पता चला था कि आपने बाहर की मार्केट से कुछ सामान इंपोर्ट किया है। किया तो है मगर सेल के लिए नहीं है। एक साहब के कहने पर यह सामान इंपोर्ट किया था, उनका पाकिस्तान से बाहर बहुत बड़ा बिजनेस है। पाकिस्तानी है, मुहिब वतन है। पाकिस्तान के हर बड़े शहर में अब वो एक मेडिकल ट्रस्ट बनवाना चाहते हैं। आजकल में आने वाले। हेलो मिस्टर वसीम। आइए सर। ये हैं वो जिनका मैं जिक्र कर रहा था। आई सी। आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई सर। हेलो। यस। हाँ अच्छा, मैं अभी आया। एक्सक्यूज मी, मैं भी हाजिर हुआ। तुम्हारी सूरत कुछ जानी पहचानी सी लगती है। बैठो। कमाल है सर, मेरे ऐसा साथ भी कुछ आप जैसे ही हैं। वैसे सर मेरा नाम इमरान है, आई एम अ डॉक्टर, और मेरा एक छोटा सा क्लिनिक है जी लाहौर में। उसी के सामान के सिलसिले में मैं वसीम साहब के पास हाजिर हुआ था कि आपके प्रोग्राम का पता चला। वैसे सर मैं आपके जज्बे से बहुत मुतासिर हुआ हूँ। अगर हमारे मुल्क के डॉक्टर आपके नक्शे कदम पर चलने लगे तो हमारा मुल्क जन्नत बन जाए, कोई गरीब इलाज को ना तरसे। हर तहरीक के पीछे एक जज्बा होता है बेटा। मुझे अपनी मरहूमा बीवी से बहुत मोहब्बत थी। उसकी जुदाई की कसक और उसकी मोहब्बत की तड़प ने मुझे ये सब कुछ करने पर मजबूर किया। मैं चाहता हूं गरीबों की भलाई के साथ साथ मेरे मरने के बाद मेरी बीवी का नाम जिंदा रहे। आपके जज्बात बहुत काबिल-ए-कदर हैं सर, मैं आपकी अजमत को सलाम करता हूं। आपको जब भी मेरी जरूरत पड़े मैं हाजिर हूं। राइट सर, ये मेरा कार्ड है सर, आप जब भी लाहौर आए आपसे मुलाकात को मैं अपनी खुश नसीबी समझूंगा। मैं बहुत जल्द लाहौर आ रहा हूं और तुमसे जरूर मिलूंगा। थैंक यू सो मच सर। जीते रहो बेटा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। औरों को खुशी मुझको फकत दर्द रंज गम, दुनिया को हंसी मुझे रोना दिया है। ताजिन के दम कदम से ये आबाद आशिया, वो चह चाहते वो चह चाहते बोल बोल जाने। आपकी तारीफ। तारीफ उस खुदा की जिसने तुम्हें बनाया, जिसने मुझे बनाया, और तारीफ उस खुदा की जो मुझे यहाँ लाया और यहाँ लाने के बाद तुमसे मिलवाया। लेकिन आप की क्या गर्दन लगा रखी है उल्लू के पट्टे, आगे बढ़ मेरे सीने न लग जा करके आ
तीन नल लग जाता करके जिन्हे टिकरी लिपा रे ललो। अगर आप है कौन? अबे मैं तेरा दादा हूँ। दान अलफ दा दा दाता अपने पोते दा। आजी वेखो आजी वेखो हाँ मेरा पोता ओ मेरा पोतिया ओए मैं तो छोड़ूंगा। बाबा जान आप तो कौन है? जाए ओह आपकी तारीफ। She's your sister, तेरी बहन है। भैया अम्मी जान ये तुम्हारी बहन है और ये तुम्हारे दादा जान है। तुम बहुत थके हुए हो बेटे, जाओ जाकर रेस्ट करो, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी। हाँ बेटे तुम थके हुए हो, जाओ जाकर सो जाओ। कहो तो मैं तुम्हें लोरी सुना देता हूँ। धीरे से आ जा रे अज्ञान में निंदिया आ जा रे। यार भी तो की निकला है किथे क्या पोता। वैसे आपका कमाल है बहू, खूब प्यारा पोता दिया है मुझे। और आपने भी तो मुझे एक प्यारी सी बेटी दी है। इसने क्या प्यारा होना है, छोटी खुरमानी मुझे बरल ठीक है। सबसे पहले तो ये बताइए जनाब। जी जनाब। कि मेरे बगैर दिन कैसे गुजरे? दिन तो बहुत अच्छे गुजरे, अलबत्ता रातें रातें भी बहुत अच्छी गुजरी। दरअसल मार्केट में घूमते हुए मुझे ओमान से आया हुआ एक बहुत बड़ा सेठ मिल गया। वो यहाँ पर एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनाना चाहता है। मैंने उससे मुआयदा कर लिया कि उसके हॉस्पिटल में डेंटल क्लिनिक मैं चलाऊंगा। मगर हमें क्या फायदा होगा? अरे भाई इसमें फायदे की कौन सी बात है, ये तो एक खैराती हॉस्पिटल है। मैंने सोचा इस नेक काम में मैं क्यों ना हिस्सा डाल दूं। अच्छा ये तो बताओ ये सब कुछ क्या है? ये दादा जान बहन ये सब लोग कौन है? अम्मी ने तो मुझे बचपन से यही बताया था कि इस दुनिया में उनका मेरे सिवा कोई नहीं। अम्मी कितनी अजीम औरत है। इससे पहले कि तुम उनसे तफसील पूछो ये उनकी डायरी पढ़ लो। तू है मेरी माँ की खुशियों की कातिल, तेरी वजह से मेरा बाप और मेरी माँ का सुहाग उससे जुदा हुआ। अब तेरा वजूद मैं इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम्हें इस तस्वीर की बेहुर्मती करने की जरूरत कैसे हुई? ये मेरी माँ की कातला है। आपकी वो जालिम सास है जिसने सारी जिंदगी आपको दुखों के सिवा और कुछ नहीं दिया। बंद करो। ये मेरी माँ है। ये आपकी माँ नहीं हो सकती है मिजान। ये तो वो है जिसने आपकी माँ की जान ली, जिसने आपके सुहाग को आपसे छीन लिया, जिसने आपकी सारी खुशियां छीन ली। मैं कहती हूँ खामोश हो जाओ। यही तो है जिन्होंने मुझे जीना सिखाया है, मुझे माँ बनना सिखाया है, सास बनना सिखाया है। कुछ भी हो बहू, तुम्हें एक जालिम औरत के लिए अपने जवान बेटे पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। मुझे अपनी माँ से ज्यादा अजीज कोई नहीं है, बेटा घर में रहे या ना रहे, लेकिन ये तस्वीर ये घर में जरूर रहेगी। चलो बेटा, इस वक्त बहू का गुस्सा जमीन पर नहीं आसमान पर है। आज तुम क्लिनिक से उठकर बताए बगैर कहाँ चली गई थी? इस पर कहाँ से आ रही हो? काम ही ऐसा था कि आपको बताती तो आप हर किस ना करने देते, मगर अब कर चुकी हूँ तो वादा कीजिए कोई ऐतराज नहीं करेंगे। अच्छा चलो वादा करता हूँ। तो फिर चलिए। चलो अजरा तुम्हें अच्छी तरह मालूम है कि मुझे इस औरत से नफरत है और तुमने उसकी तस्वीर फिर मेरे सामने लाकर लगा दी है। आप क्या समझते हैं मुझे जालिम औरत से हरती है?
जिसने मेरी माँ जैसी सास को जी भर कर दुखती है। तो फिर तुमने उसकी तस्वीर नेफे में झुलवा कर क्यों लगवाई? इसलिए कि अम्मी जान ने कहा था कि मेरा बेटा इस घर में रहना रहे, मगर ये तस्वीर इस घर में जरूर रहेगी। हाँ, तो मैंने ठीक कहा था, अब इस घर में ये तस्वीर रहेगी, मैं नहीं हूँ। इमरान, जिस बातें होने की बजाय ठंडे दिल से सोचो, अगर अम्मी अपने दुश्मन की तस्वीर को अपनी आंखों की ठंडक बनाकर इस घर में रखना चाहती हैं, तो हमें उनकी खुशी के लिए अपने जज्बात पर काबू रखना चाहिए। ये मेरे बस में नहीं है अजरात, मैं घर में आते जाते हर वक्त अपनी माँ की दुश्मन को नहीं देख सकता। अम्मी जान को अगर ये तस्वीर इतनी ही अजीज है तो ये उनके कमरे में सजा दो, ये तस्वीर अब इस ड्राइंग रूम की जीनत नहीं बनेगी। नहीं नान, अगर हमें अपनी अम्मी से जरा भी मोहब्बत है तो हमें इस तस्वीर में अपने खून से रंग भरने पड़ेंगे। तुम्हें मेरी कसम इमरान, अम्मी की खुशी की खातिर अपने जज्बात पर काबू पा लो, प्लीज इमरान। तुम्हें नहीं मालूम अजरा, तुम मुझे किस आजमाइश में डाल रही हो। आप तो उस माँ के बेटे हैं जिसे कदम कदम पर आजमाया गया। अजरा, बैठो यहाँ मेरे पास। मेरी समझ में नहीं आता इमरान को और तुम्हें मेरे माजी के हालात किसने बताए? क्या अब्बा जान ने कुछ बताया था? किसी ने कुछ नहीं बताया, एक दिन सफाई करते करते आपकी डायरी मेरे हाथ लग गई थी। तो तुमने मेरी सारी डायरी पढ़ ली। मैं माफी चाहती हूँ अम्मी जान कि आपकी इजाजत के बगैर मैंने डायरी खुद भी पढ़ ली और इमरान को भी पढ़ा दी। लेकिन आप ये बताइए कि आपने अपनी जिंदगी के हालात मुझसे और इमरान से क्यों छुपाए? मैं नहीं चाहती थी कि तुम दोनों की पुरसुकून जिंदगी पर मेरे माजी का साया पड़े। यही तो हम है कि आपकी सास ने आप पर क्या क्या सितम किए और आपने मुझसे किसी एक सितम का भी इंतकाम न लिया। देखो अजरा, दुनिया में जीने के दो तरीके हैं, एक ये कि दूसरे जो जुल्म करे वही जुल्म दूसरों पर किए जाए, और दूसरा ये कि इंसान जो दुख बर्दाश्त करे उसे भूल जाए और दूसरों को सूंप बांटे। मैंने दूसरा तरीका अपनाया है। खैर छोड़ो इन बातों को, तुम्हारी सालगिरह की कार्ड तुम्हारे कमरे में रखे हैं, जिसे चाहो बुला सकती हो। मैं जिसे चाहूँ बुला सकती हूँ ना? हाँ, शौक से। हेलो जी। जी हाँ, मेहरबान साहब यही होते हैं क्या? क्या हुआ बेटी, किसका फोन था? इस तरह क्यों देख रही है? अब्बा जान, आपने मुझसे कभी झूठ बोला? झूठ? ना ना, खुदा ना करे मैं तुमसे झूठ बोलूं। आपने मुझसे झूठ बोला है। आपने तो मुझसे कहा था कि अम्मी जान इस दुनिया से चल बसी है। हाँ चल बसी है, मगर वो तो जिंदा है। जिंदा है? हाँ जिंदा है, और इसी शहर के मेंटल हॉस्पिटल में है। हॉस्पिटल वालों ने बहुत मुश्किल से आपका पता लगाकर यहाँ फोन किया है। फोन पर बताया है कि अम्मी जान को शरीर दौरा पड़ा है। आपने जीते जी अम्मी जान को क्यों मार दिया? आपको इतना बड़ा झूठ बोलने का हौसला कैसे हुआ अब्बा जान? बोलिए, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। हाँ, मैंने झूठ बोला था, बोला था मैंने झूठ। आपने राख हटाने से चिंगारी शोला ना बन जाए, और शोला आप बनकर तुम्हारी जन्नत को जहन्नम ना बना दे। मैंने झूठ बोला था सिर्फ इसलिए
कि बस तुम पहले जिस तूफान ने तुम्हारा गुलशन उजाड़ के रख दिया था वो फिर से तुम्हारे लगाए हुए फूलों की पत्तियां ना बखेर दे। जब वो होश में थी तो उसने सबको दीवाना बना रखा था, अगर वो फिर यहां आ गई तो सबको तबाह करके रख देगी। आपने की एक ही सजा भुगत रही है बेटी, उसे वही रहने दो, वो हमारे लिए मर चुकी है। आपका ख्याल गलत है अब्बाजान, वो कुछ भी हो मेरी माँ है, इस वक्त उन्हें एक बेटी की जरूरत है। आप लोग मेरे साथ आए या ना आए मैं जा रही हूँ। अम्मी जी ने ठीक कहा दादा अबू, हमें दादी जान के पास जाना चाहिए। सलमा ठीक कहती है। शिद्दत से इंतजार था मिस्टर रहमान, मुझे अफसोस है कि मैं चंद दिन कराची में लगते तमाम डॉक्टर साहब इसमें आपका इंतजार कर रहे हैं, मीटिंग के बाद आप अस्पताल का राउंड लगवाएंगे। थैंक यू। इनको मौत के मुंह से निकालने के लिए इनका सत्ता तोड़ना बहुत जरूरी है। अम्मी जान, आपके सारे रिश्ते आपके सामने खड़े हैं, आपकी बेटी अपनी मोहब्बत का वास्ता देती है। अम्मी जान बोलिए, बोलिए अम्मी जान। आपके प्यार और आपकी यादों को सीने से लगाए हुए इतने साल गुजार दिए, और मेरी आंखें अपने वतन की मिट्टी देखने के लिए बेताब रहती थी। मैं अपने मुल्क के हर बड़े शहर में एक मेडिकल ट्रस्ट बनाना चाहता हूं, और उस मेडिकल ट्रस्ट का नाम होगा सुरैया मेडिकल ट्रस्ट। रहमान साहब, यह नाम तो जी हां, यह नाम मेरी मरहूमा बीवी का नाम है, और मैं इस नाम को हमेशा जिंदा रखना चाहता हूं, और मेरी ख्वाहिश है कि मैं जान मेरी तू मेरा जहां है, तू जान
जिंदा हो, तुम जिंदा हो। मां, बेटा, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ, मुझे माफ कर दो बेटा। या अल्लाह, ये मैं क्या देख रहा हूँ। अब्बा जान, मेरे बच्चे, खजान में फिर से बाहर आ गई है। बिगड़े हुए पकोले अपने रहमत हो गए हैं, उजड़ा हुआ शियाना फिर से आबाद हो गया। अरे मेरे बेटे, कहीं मैं ख्वाब तो नहीं देख रहा। और ये हकीकत है। और मुको कई गल तो फिर पहचानो अपनी फैमिली को। ये है मेरी बेटी सुरैया। नहीं तू बिजली आ गए, कहाँ गई बेटी सुरैया? ये मेरी बेटी सुरैया, हया हया। और ये तुम्हारा बेटा इमरान, और ये तुम्हारी बहू हू बहू। और सुन मेरे बलमा, ये है मिस सलमा, शगुफ्ता की बेटी। शगुफ्ता की बेटी? रहमान, शगुफ्ता इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो आपकी निशानी छोड़ गई है। लेफ्ट हैंड पे चलो, ये ईद का दिन तेरे बिन है फीका, गले मिल ले ये दिन है खुशी का। और सबसे बड़ी खुशी तो मुझे ये हुई है कि मेरी बेगम का प्रेम लगता, मेरी बेगम को बहू मिल गई। बहू नहीं, मुझे मेरी सहेली मिल गई। आए, और मुझे मेरी सड़ी हुई जलेबी मिल गई।